तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं यहाँ फूल के खेत में, और आप लोग इधर देख सकते हैं काफ़ी मस्त नज़ारा है। तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है फूल, तो अभी आप लोग इधर देख सकते हैं काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इधर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं आया हूँ खेत पे अपने इधर, तो अभी आप लोग खेत का नज़ारा देख ही सकते हैं कुछ ऐसा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10, तो अभी धूप भी नहीं हुई है, अभी है बदरी, और कल हुई थी बारिश भी। तो अभी आए थे खेत में यहाँ पे देखने कि हमारे खेत का हाल कैसा है, तो इधर आप लोगों को दिखा देते हैं कि अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पीछे हमारे यहाँ पर गेहूँ लूट चुका है, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कल चल रही थी हवा काफ़ी तेज़, तो यहाँ पे गेहूँ पूरा लौट चुका है, इधर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों बस कुछ ही दिनों में एक गेहूँ कटने वाला था, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी गेहूँ झुरा चुका है, तो बस कुछ ही दिनों में अब गेहूँ कटने लगेगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों की तरफ कितना बड़ा गेहूँ हुआ है, उसका क्या हाल है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ टमाटर भी ऐसा हो चुका है, और कल पानी भी भरे थे और शाम को पानी भी पड़ रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग हमारे पीछे देख ही सकते हैं कि मैंने जो पालक बोया था वो अभी इतना बड़ा हो चुका है, तो आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि ये पूरा पालक है, तो अभी इतना बड़ा बड़ा हुआ है। तो दोस्तों खेत पे आए थे तो थोड़ा काम भी कर लें। अभी ये जो टमाटर है यहाँ नहर में है, इसको हम निकाल कर यहाँ बाहर करेंगे। तो अभी चलिए चलते करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं करने के बाद। फाइनली दोस्तों मैंने हटा दिया है, और आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम नहर साफ हो चुका है, अभी पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मैंने एक गावा नहर में से क्यों हटाया, आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ मैंने इसे क्यों नहर में से हटाया। जो इसकी फली होती है वो पानी में जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, तो वो कोई मतलब नहीं होगा उसका। और जब भी हम इसमें सोडा और खाद देंगे तो वो सीधा पेड़ के ऊपर न गिरकर सीधे हमारा नहर में गिरेगा, अब वैसे पेड़ के ऊपर गिरता, तो दोस्तों इसलिए मैंने उसमें से हटा दिया। तो दोस्तों बस यही करना था। तो फाइनली दोस्तों अभी आ चुके हैं इस गेंदे के खेत में, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरे खेत में गेंदा लगा हुआ है, और हमारे चारों तरफ आरी आरी पूरा गेहूँ लगा हुआ है, आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो इधर देख ही सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है अभी। और इधर दोस्तों अभी हल्की हल्की धूप भी हो रही है, और आप इधर देख ही सकते हैं पूरी बदरी है और हल्की हल्की धूप भी हो रही है। तो यहाँ खेत में है और हवा भी चल रही है दोस्तों, तो कल से ठंड भी बढ़ गई है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं यहाँ फूल के खेत में, और आप लोग इधर देख सकते हैं काफ़ी मस्त नज़ारा है। तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है फूल, तो अभी आप लोग इधर देख सकते हैं काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इधर आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस कुएं के पास, जो कि आप लोगों ने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी फाइनली ये बन चुका है, तो अभी आप लोग इधर देख सकते हैं कि इसका पंप यहाँ पे कितना बड़ा लग चुका है। अब ये पानी इतने ऊपर से यहाँ से सीधा इसमें गिरेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कल चालू था तो इसमें काफ़ी बालू भी जमा हो चुका है, तो इधर देख सकते हैं रिपेयर हो चुका है अभी। और इसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कबूतर भी बैठा हुआ है। फाइनली दोस्तों चल रहा है अभी पतझड़ का मौसम, तो यहाँ पे इस पेड़ में से सारी पताइयाँ गिर चुकी हैं, तो अभी इसमें देख सकते हैं कि अभी पताई नहीं है, पर जब पताई आएगा तो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगेगा, तो आपको आप सबको हम ज़रूर दिखाएंगे।
तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फाइनली दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।